तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी खूबसूरत बच्चों का हमारे चैनल जिसका नाम है मैथ्स फोबिया में बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुभम सिंह फिर से आपके सामने करंट अफेयर्स की अपनी अगली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैज बीन चूजन एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका चयन हुआ है? तो ये हो जाएंगी डीना बोलार्ड। डीना बोलार्ड जो है ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इनका चयन हो जाए। ठीक है, डीना बोलार्ड। ठीक है, पेरू की अगर मैं बात करूं, पेरा बच्चों, पेरू की अगर बात करूं तो ये कौन से कॉन्टिनेंट में आ जाएगा? तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसके कैपिटल की बात करूं तो पेरू का कैपिटल क्या हो जाएगा? लाइमा। लाइमा इसका कैपिटल हो जाएगा। और अगर मैं करेंसी की बात करूं तो करेंसी हो जाएगी इसकी सॉल। ठीक है, करेंसी हो जाएगी सॉल। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में डीना बोलार्ड का चयन किया गया है। नताशा पिर्क मुसार ये कौन हो जाएंगी पेरे बच्चों? तो ये हो जाएंगी स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ क्या? तो स्लोवेनिया। अगर मैं बात करूं लिस्ट्रूस को पेरे बच्चों सितंबर के अंदर प्रधानमंत्री बनाया गया था। कहाँ का? यूक्रेन का। बट इन्होंने सात वीक के अंदर ही पेरे बच्चों इन्होंने क्या दे दिया? तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया, यानी कि रेजिग्नेशन दे दिया। ठीक है, तो डीना बोलार्ड को की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। देखो ये कुछ लिस्ट है, ठीक है, ये कुछ लिस्ट है जिसमें 2022 के सभी प्रेसिडेंट और सभी नए प्राइम मिनिस्टर जितने भी अपॉइंट हुए उसका ये लिस्ट तैयार कर दिया है मैंने। ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप इसे प्लीज चेक कर लीजिएगा। ये दो स्लाइड में आपको ये लिस्ट मिल जाएगा। अगला आते हैं तो कार्तिकाइट दीपम चैरियट फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। ठीक है, कार्तिकाइट दीपम चैरियट फेस्टिवल। देखो चैरियट फेस्टिवल से आपको एक और फेस्टिवल याद आएगा, जगन्नाथ चैरियट फेस्टिवल। ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है मेरे बच्चों? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा के अंदर। या तो क्वेश्चन देगा जगन्नाथ चैरियट फेस्टिवल और या तो देगा चैरियट, तो ये दोनों अगर दे तो आप क्या लगाओगे? उड़ीसा लगाओगे। सर इस फेस्टिवल के अंदर किसकी किसकी पूजा की जाती है? तो ये जो चैरियट फेस्टिवल होता है कौन सा? उड़ीसा का। इसमें जगन्नाथ भगवान की पूजा की जाती है, जगन्नाथ भगवान की पूजा की जाती है। साथ ही साथ इनके बड़े भाई बलभद्रा की पूजा की जाती है, बलभद्रा की पूजा की जाती है। और साथ ही साथ इसमें इनकी बहन सुभद्रा की पूजा की जाती है, सुभद्रा की पूजा की जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि जगन्नाथ चैरियट फेस्टिवल कहाँ पे किया जाता है, तो ये किया जाता है उड़ीसा के अंदर। या चैरियट फेस्टिवल कहाँ किया जाता है, तो ये किया जाता है उड़ीसा के अंदर। क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछा है कार्तिकेय दीपम चैरियट फेस्टिवल, ये भी क्या है पैर बच्चों? ये एक रथ यात्रा है, बट ये उड़ीसा में ना होके कहाँ पे होता है? तो मदुरई के अंदर, तमिलनाडु के मदुरई के अंदर होता है। सर ये बताइए मदुरई कौन से नदी पे है? तो ये आपके वागी रिवर पे है। सर मदुरई के अंदर प्यारे बच्चों मीनाक्षी टेम्पल भी तो है। बिल्कुल, मीनाक्षी टेम्पल है प्यारे बच्चों कहाँ पे? तो मदुरई के अंदर। मीनाक्षी टेम्पल जो है इसे किस स्टाइल में बनाया गया है? तो ड्रेविडियन स्टाइल में बनाया गया है। ड्रेविडियन स्टाइल में बनाया गया है किसको? मीनाक्षी टेम्पल को। और ड्रेविडियन स्टाइल में बनाया गया सबसे अच्छा एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि ड्रेविडियन स्टाइल का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो कौन सा है, तो ये हो जाएगा मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल। अच्छा, मदुरई के अंदर ही प्यारे बच्चों हाल ही में फ्लोटिंग फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया था। कौन सा? तो फ्लोटिंग फेस्टिवल या फ्लोटिंग फेयर का आयोजन किया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, तैरता हुआ मेला। तो तमिलनाडु के अंदर कार्तिकाई दीपम चैरियट फेस्टिवल जो कि एक रथ यात्रा है, कहाँ पे? मदुरई के अंदर। मदुरई आपकी वागई रिवर के पास पड़ेगी। कहाँ पे एक टेम्पल है, कौन सा? मीनाक्षी टेम्पल। ये ड्रेविडियन स्टाइल में बना हुआ है। ड्रेविडियन स्टाइल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? तो ये मीनाक्षी टेम्पल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछ रहा है कि हु इज होस्टिंग कोप 15 इन दिसंबर। दिसंबर के अंदर प्यारे बच्चों, दिसंबर 7 से लेकर दिसंबर 19 तक कैनेडा के मॉन्ट्रियाल में प्यारे बच्चों क्या हो रहा है? तो कैनेडा के मॉन्ट्रियाल में कोप 15 का आयोजन हो रहा है। सर ये कोप 15 किससे संबंध रखता है? तो ये संबंध रखता है बायोडाइवर्सिटी से। बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित रखने के लिए सम्मेलन किया जा रहा है।
सर इसका आयोजन कौन कराता है? तो यूनाइटेड नेशंस इसका आयोजन कराया जाता है, कराता है, ठीक है। कब से करा रहा है मेरे बच्चों? तो 1992 से, 1992 से इसका आयोजन किया जा रहा है। 1992 में मेरे बच्चों सिग्नेचर किया गया था किसके द्वारा? तो 150 कंट्रीज के द्वारा, कहाँ पे? तो रियो के अंदर, और तब से इसका आयोजन कराया जा रहा है, ठीक है। सर आपने हाल ही में हमें पढ़ाया था कि COP 27 भी हुआ था। COP 27 कहाँ हुआ था मेरे बच्चों? तो ये आपके इजिप्ट के अंदर हुआ था। ये किससे संबंध रखता था? तो ये क्लाइमेट चेंज से संबंध रखता था, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इसमें कैसे आपको बचना है, कैसे देश जो है वो मिलके काम करे, इसके लिए COP 27 हुआ था कहाँ पे? मिस्र के अंदर। और जो COP 15 हो रहा है ये किससे संबंध रख रहा है? तो बायोडाइवर्सिटी से। तो बायोडाइवर्सिटी जो है जो हमारे आसपास हरियाली दिखती है आपको, इसको कैसे सुरक्षित रखना है। अगर मैं बायोडाइवर्सिटी की बात करूं तो दुनिया का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ठीक है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट। और इसीलिए इसे लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं पूरी दुनिया का। तो कनाडा के मॉन्ट्रियल के अंदर COP 15 का आयोजन कराया जा रहा है। कब से कराया जा रहा है? तो पहली बार 1992 में 150 देशों में रियो के अंदर पेरे बच्चों इसको इसका सिग्नेचर किया था, और तब से क्या कराया जा रहा है? तो COP 15 आयोजन कराया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन? देखो दो अपॉइंटमेंट हुए हैं, एक तो इनका अपॉइंट हुआ, ये कौन है? तो ये है मेघना अहलावत, मेघना नाम की महिला है पेरे बच्चों। इनका अपॉइंटमेंट किसमें हुआ है? तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के रूप में पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में इनका चयन हुआ है। और दूसरे हैं पेरे बच्चों कौन? कमलेश मेहता। ये कौन है? कमलेश मेहता, इनका चयन हुआ है एज अ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ क्या? तो सेक्रेटरी ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो मेघना अहलावत का चयन हुआ कितने? तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में, और ये पहली महिला चेयरमैन बनी है। किसकी? तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इससे पहले कौन थे प्यारे बच्चों? तो इससे पहले टेबल टेनिस फेडरेशन के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला जो थे इससे पहले थे। ये कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों? तो दुष्यंत चौटाला जो है ये मेघना अहलावत के क्या थे? हस्बैंड थे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पीटी उषा की बात करूं प्यारे बच्चों, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में इनको नियुक्त किया गया था हाल ही में, ठीक है। दीपा मलिक की बात करूं तो टीवी को रोकने के लिए एक मुहिम चलाई गई है जिसका नाम है निक्षय मित्रा, निक्षय मित्रा, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और साथ ही साथ ये पैरा ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया की क्या है? तो चेयरपर्सन भी हैं। शरद कमल अचंता को हाल ही में प्यारे बच्चों आपको याद होगा 30 नवंबर को क्या मिला है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। साथ ही साथ ये इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के क्या है? एथलेटिक डिपार्टमेंट के मेंबर के रूप में भी इनकी नियुक्ति हुई है, ठीक है। दीपा मलिक की बात करूं तो ये कौन सा खेल खेलती हैं? तो ये खेलती हैं क्या? तो शॉट पुट, शॉट पुट, और साथ ही साथ क्या? चक्का फेंक, या आप कह सकते हो डिस्क थ्रो, ठीक है, डिस्क थ्रो। पीटी उषा क्या है मेरे बच्चों? धावक है। और शरद कमल अचंता क्या हो जाएंगे? ये टीटी प्लेयर। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछ रहा है कि आरबीआई रिसेंटली साइंस करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, आरबीआई ने प्यारे बच्चों कौन से देश के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को सिग्नेचर किया है, यानी कि सिग्नेचर किया है दो देशों के बीच में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का एक समझौता हुआ है। अब होता क्या है ये समझो। देखो सपोज मान लो ये इंडिया है और ये कोई एक देश है, सपोज इंडिया को इसके साथ व्यापार करना है, कुछ बेचना है, और इसको भी इसके साथ व्यापार करना है, कुछ बेचना है। तो जनरली अभी तक क्या होता था, जनरली होता क्या है पूरे दुनिया के मार्केट में क्या होता है, जब व्यापार होता है, जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करती है, तो व्यापार ज्यादातर किसमें करती है? डॉलर्स में करती है। किसमें करती है? डॉलर्स में, क्योंकि डॉलर्स को यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है, डॉलर्स को हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है। बट अभी हाल ही में जो इंडिया और एक कंट्री यानी कि इंडिया और मालदीव्स ने क्या किया है बच्चों? करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में सिग्नेचर किया है। इसका मतलब क्या होगा? इंडिया को अगर माल बेचना है मालदीव्स को, मालदीव्स को अगर माल बेचना है इंडिया को, तो इनके बीच में जो करेंसी का लेन देन होगा वो डॉलर में ना होके किस में होगा? या तो रुपया, इंडिया का करेंसी, और मालदीव्स का करेंसी कौन सा हो जाएगा? रुपया, एफ लगता है यहाँ पे, रुपया, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है इसका मतलब ये है
कि अगर दो देशों के बीच में कोई कोई बिजनेस चल रहा है, कोई ट्रेड चल रहा है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम चल रहा है, तो उसका पेमेंट होगा वो किस में देंगे, तो अपने ही करेंसी में देंगे, है ना। अब डॉलर में दोगे तो डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, तो डॉलर की वैल्यू क्यों बढ़ाना, अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ाओ। यानी कि दो देशों के बीच में अगर जो समझौता होता है, इसका क्या मतलब ये, दो देशों के बीच में अगर कोई ट्रेड हो रहा है तो इसी दो देशों की करेंसी में डील होगा, तीसरा करेंसी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो इसे हाल ही में इंडिया और मालदीव्स ने साइन किया। मालदीव्स का कैपिटल क्या हो जाएगा, MALE, माले इसका कैपिटल हो जाएगा, करेंसी हो जाएगी इसकी रुपया, रुपया इसकी करेंसी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, मालदीव जो है वो सार्क का भी मेंबर है। तो ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया है ना मेरे बच्चों, ये एग्रीमेंट साइन किया गया सार्क के करेंसी स्वैप अरेंजमेंट के हिसाब से साइन किया गया है। सार्क के मेंबर में कंट्रीज कौन कौन से हो जाएंगे, तो 1985 में सार्क का गठन हुआ था प्यारे बच्चों। इसकी मीटिंग होती है 1985 8 दिसंबर ढाका के अंदर इसकी पहली बैठक होती है प्यारे बच्चों। यहाँ पे एक चार्टर पे साइन किया जाता है सभी फाउंडिंग नेशन के द्वारा एक चार्टर पे साइन किया जाता है। इसीलिए हर साल 8 दिसंबर को सार्क चार्टर डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। सार्क चार्टर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। मैंने क्या कहा, सार्क का गठन कब होता है, 1985 में 8 दिसंबर को इसकी पहली बैठक होती है, कहाँ पे, ढाका में। इसी दिन 8 दिसंबर को एक चार्टर साइन किया जाता है, इसीलिए 8 दिसंबर को सार्क चार्टर डे हम सेलिब्रेट करते हैं। सर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, हेडक्वार्टर हो जाएगा इसका कहाँ पे, काठमांडू नेपाल के अंदर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसमें टोटल 8 कंट्रीज हो जाएंगे मेरे बच्चों, 8 इसमें टोटल कंट्रीज हो जाएंगी। अगर पूछेगा सबसे नया कंट्री कौन सा हो जाएगा, तो अफगानिस्तान जो है ये इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं था, यानी कि 1985 में सिर्फ 7 देश हुआ करते थे, और जो 8वां देश जुड़ा है वो कब जुड़ा है, तो 2007 में। कौन था वो, तो अफगानिस्तान। तो मालदीव्स के साथ क्या साइन हुआ है, तो आरबीआई ने क्या साइन किया है, तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। आरबीआई की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, आरबीआई का गठन होता है 1935 में, ठीक है। इसका नेशनलाइजेशन कब होता है, राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो नेशनलाइजेशन इसका होता है 1949 के अंदर। कौन सी कमिटी के द्वारा इसका गठन किया गया था प्यारे बच्चों, तो कमिटी का नाम था हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन से इसका गठन हुआ था प्यारे बच्चों। और इसके प्रेजेंट में गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो शक्तिकांता दास इसके प्रेजेंट में गवर्नर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि ओपनिंग सेरेमनी फॉर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। पूछ रहा है, आपको पता होगा प्यारे बच्चों, इंडिया ने बाजरा या मिलेट ईयर के रूप में कब सेलिब्रेट किया था, तो 2018 में, ठीक है। हाल ही में उड़ीसा ने प्यारे बच्चों 10 नवंबर को क्या सेलिब्रेट किया, तो मिलेट डे के रूप में या बाजरा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया, ठीक है। और यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया प्यारे बच्चों, यूनाइटेड नेशंस ने साल 2023 को एज अ मिलेट ईयर, यानी कि बाजरा साल के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए कहा है। और इसी का एक प्रोग्राम हुआ था कहाँ पे प्यारे बच्चों, 6 दिसंबर को, कहाँ पे, तो रोम इटली के अंदर। 6 दिसंबर को रोम इटली के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था, ठीक है, उद्घाटन प्रोग्राम अभी से कह सकते हो, कहाँ पे, तो रोम इटली के अंदर। बाजरा का अगर मैं उत्पादन की बात करूं, तो पूरी दुनिया का 41% जो बाजरा है वो कौन पैदा करता है, भारत पैदा करता है। क्यों इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट को रखा गया 2023 का, ताकि पूरे दुनिया में मिलेट्स के इंपॉर्टेंस को बताने के लिए, मिलेट्स के पैदावार को बढ़ाने के लिए, ठीक है। भारत जो है वो दुनिया का 41% मिलेट या बाजरा पैदा करता है, और जो सबसे ऊपर अगर स्टेट की बात करूं, तो राजस्थान सबसे ज्यादा पैदा करता है, किसका, तो बाजरा का। आगे बात करते हैं। आगे पूछ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ऑर्गेनाइज द वन डे मेगा हेल्थ कैंप। देखो, जो मिनिस्ट्री है, कौन सी, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, इसने एक दिन का हेल्थ कैंप का आयोजन किया है। हेल्थ कैंप जैसे डोनेशन कैंप होता है, वैसे हेल्थ कैंप का आयोजन किया है। किसने दिन का, एक दिन का। इसका नाम क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका आदिवासी नाम है अबुआ बुगिन हुडोमो। इसका मतलब क्या होता है, अवर बेटर हेल्थ। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक दिन का मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया है, उसका नाम क्या हो जाएगा, अबुआ बुगिन हुडुमो, या हिंदी में अवर बेटर हेल्थ। एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, एक अच्छे हेल्थ के लिए, हेल्थ सभी के लिए इंपॉर्टेंस रखता है।
ये बताने के लिए इस कैंप का आयोजन किया गया था। किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था? इसका आयोजन होता है प्यारे बच्चों झारखंड के अंदर। किसके द्वारा? एक तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा किया जाता है, ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तीसरा ये झारखंड झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और चौथा टाटा के द्वारा किया जाता है। टाटा कंपनी कब स्टैब्लिश होती है? 1906 के अंदर। कौन स्थापित करता है इसको? तो जमशेद जी टाटा। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स किसके पास है, आयुष मंत्रालय किसके पास है, झारखंड किसके पास है, यानी कि झारखंड के सीएम कौन है। टाटा मैंने आपको बता दिया। झारखंड के अंदर क्या हुआ है? अबुआ बुगिन होडमो जो कि एक हेल्थ कैंप था एक दिन का। आगे बढ़ो, आगे पूछ रहा है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड के चेयरमैन के रूप में किसको चुना गया है? ये कौन सा बैंक है प्यारे बच्चों? तो ये क्या करता है? ये आपके रूरल डेवलपमेंट के लिए है ना, रूरल डेवलपमेंट के लिए प्यारे बच्चों, रूरल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए क्या करता है? लोन प्रोवाइड करता है। रूरल डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड करता है। इस हाल ही में प्यारे बच्चों नए चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है? तो केवी साजी की नियुक्ति हुई है। किसकी? नाबार्ड के चेयरमैन के रूप में नाबार्ड। पहले ये कहाँ पे थे प्यारे बच्चों? तो इन्होंने कैनरा बैंक के लिए भी काम किया है, साथ ही साथ के लिए भी काम किया है। कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक में भी उन्होंने काम किया है। और इनको क्या बनाया गया का चेयरमैन? नाबार्ड की बात करूं प्यारे बच्चों तो ये लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका गठन कब होता है? प्यारे बच्चों तो 12 जुलाई 19 प्यारे बच्चों। और अगर मैं बात करूं इसके हेडक्वार्टर की तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका क्या हो जाएगा? हेडक्वार्टर हो जाएगा किसका? तो नाबार्ड का। तो केवी साजी को क्या चुना गया है? तो नाबार्ड का चेयरमैन चुना गया था। अगर ये बताओ 1982 में जो ये स्थापित हुआ था या एस्टैब्लिश हुआ था क्या, तो नाबार्ड इस ये किसके रिकमेंडेशन से हुआ था प्यारे बच्चों? तो ये हुआ था बीवी शिवारमन, कमेटी थी एक प्यारे बच्चों, इसके रिकमेंडेशन से क्या स्थापित हुआ था? तो नाबार्ड हुआ था। केवी साजी से पहले कौन थे नाबार्ड चेयरमैन? तो ये थे जीआर चिंटाला, ठीक है। जीआर चिंटाला जो है ये केवी साजी से पहले क्या थे? नाबार्ड के चेयरमैन। और नाबार्ड को जो स्थापित किया गया था किसके रिकमेंडेशन थे? तो एक कमेटी थी, इसका नाम था बी शिवरमन कमेटी। राजीव लक्ष्मण जी कौन है प्यारे बच्चों? तो ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के नए चेयरमैन के रूप में इनको बनाया गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड? देखो, नरसंहार के अपराध के पीड़ितों के लिए स्मरण और सम्मान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये किसके लिए होता है? वो लोग जो कि नरसंहार, जेनोसाइड मतलब होता है नरसंहार, जहां पे हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में एक साथ लोगों की मौत हो जाती है या मार दिए जाते हैं, तो इसे बोलते हैं जेनोसाइड। तो उन लोगों को याद करते हुए दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ऑब्वियसली किसके द्वारा शुरुआत किया गया होगा? तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई होगी। तो पूछ रहा है कब इसका सेलिब्रेशन होता है या उन लोगों को स्मरण कब किया जाता है जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी? तो ये 9 दिसंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा? तो इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर द विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड। 10 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे। 10 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है मेरे बच्चों? ह्यूमन राइट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मैं 7 दिसंबर की बात करूं, 7 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो इंडियन आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, फ्लैग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 4 दिसंबर को चीता डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, चीता डे। और साथ ही साथ क्या? तो इंडियन नेवी डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने आपको बताया था ऑपरेशन ट्राइडेंट, ठीक है, तो उसके विक्ट्री में है ना, उसकी विक्ट्री की खुशी में प्यारे बच्चों 4 दिसंबर को हर साल हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो इंडियन नेवी डे। तो 9 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? उन लोगों को याद किया जाता है जो कि जेनोसाइड यानी कि नरसंहार की वजह से जिनकी मौत की हुई थी। आगे बढ़ते हैं, इंडियन ओरिजिन कृष्णा वावीला
हैज बिन गिवन द प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाई विच कंट्री, पूछ रहा है कि कौन सी कंट्री का प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है किसको, वो व्यक्ति जिनका नाम है क्या, कृष्णा वावेला, ये भारतीय मूल के हैं, ये भारतीय मूल के हैं बट उस देश की नागरिकता उन्होंने हासिल कर ली है, समझो, ये पहले भारतीय मूल के थे बट बाद में वो कहाँ चल गए, विदेश चल गए, वहां जाके उनकी वहां की नागरिकता ले ली उन्होंने, ठीक है। तो ये कौन थे, कृष्णा वावेला, ये कहाँ के थे पहले बच्चों, आंध्र प्रदेश के थे, बाद में ये कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए, और वहां जाके प्यारे बच्चों ये क्या करने लगे, सोशल वर्क। इनका जो ये सोशल वर्क का काम है ना, इनका जो ये सोशल वर्क का काम है, इसके लिए इनको अमेरिका का सबसे ऊंचा अवार्ड है ना, अमेरिका का सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा, तो प्रेसिडेंट अवार्ड के, प्रेसिडेंट अवार्ड से नवाजा गया है, किसके द्वारा, जो बिडेन के द्वारा, वहां के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे, जो बिडेन। और ये जो प्रेसिडेंट अवार्ड होता है ना प्यारे बच्चों, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट अवार्ड है, ये अमेरिका का सबसे पावरफुल, सबसे ऊंचा अवार्ड है। तो ये जो विविला जी हैं, इनको जो कि भारतीय मूल आंध्र प्रदेश के रहने वाले, बाद में अमेरिका जाके वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं, और उनकी सोशल वर्क के लिए इनको जो बिडेन के द्वारा प्रेसिडेंट अवार्ड से नवाजा गया। आगे कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। ये महिला कौन है पेरे बच्चों, वीना नायर। ये क्या है, तो ये सेकेंडरी स्कूल में साइंस टीचर है, कहाँ पे, सेकेंडरी स्कूल में साइंस की टीचर है, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। और इनको क्या मिला है, इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इनको ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अवार्ड के सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं, पूछ रहा है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसने हाल ही में भारत का 250 मिलियन का 200 को अप्रूव कर दिया है, 250 मिलियन के लोन को, यानी कि 18,000 करोड़ के लोन को, लगभग 18,000 करोड़ के लोन को अप्रूव कर दिया है। ये किस काम में आएगा प्यारे बच्चों, ये काम में आएगा किसमें, तो भारत की जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, भारत का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है, इसको और भी इम्प्रूव करने में। लॉजिस्टिक क्या होता है प्यारे बच्चों, तो सामान को इधर से उधर लेके जाने में जो ट्रांसपोर्ट होता है, इसे क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक बोलते हैं। एडीबी की अगर बात करूँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करूँ, इसकी स्थापना होती है 1966 में प्यारे बच्चों, और इसके प्रेसिडेंट कौन है, मासाटुगु आसावा, और 68 इसके कंट्रीज हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर हो जाएगा, फिलीपींस के इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ये क्या करती है, जो एशियन नेशंस है उसमें लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। अगला आता है, देखो 43rd इंटरनेट एक्सचेंज, इंटरनेट की सुविधा को देने के लिए प्यारे बच्चों इंटरनेट एक्सचेंज लगाया जाता है। जो सबसे लास्ट में एक्सचेंज लगाया गया था, यानी कि जो 42वां एक्सचेंज लगाया गया था, इंटरनेट एक्सचेंज ये लगाया था, गया था कहां पे प्यारे बच्चों, तो ये वेस्ट बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के, बंगाल के अंदर अब लगाया जाने वाला है 43rd इंटरनेट एक्सचेंज लगाया जा रहा है। ये क्या काम करता है इंटरनेट एक्सचेंज, तो इंटरनेट को प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन जो है वो स्मूथली चले, इंटरनेट वहाँ के लोगों को मिल सके, इसलिए इंटरनेट एक्सचेंज लगाया जाता है अलग अलग शहरों में। तो जो अब भारत का 43वां इंटरनेट एक्सचेंज लगाया जा रहा है, ये कहाँ पर लगाया जा रहा है प्यारे बच्चों, तो ये लगाया जा रहा है विशाखापट्टनम में। और ये किसके द्वारा लगाया जा रहा है, तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। इंटरनेट वगैरह को देखने के लिए, भारत में इंटरनेट फैसिलिटी को देखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है क्या, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और इसी के द्वारा इंटरनेट एक्सचेंज लगाया जाता है। अभी तक कितने थे, 42 थे, 42वां कहाँ लगा था, बंगाल के अंदर, और अब 43वां कहाँ पर लग रहा है, तो ये आपके विशाखापट्टनम के अंदर इसे लगाया जा रहा है। तो यहाँ तक आप देखोगे, यहाँ तक रखते हैं आज के सेशन को, मिलते हैं कल करंट अफेयर्स की अपनी अगली क्लास में, तब अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।